गाड़ी स्टार्ट कर। तो हेलो ऑफिशियल्स, क्या हालचाल? वेरी गुड। फायर बटन साइज इसे लेकर हमारी फ्री फायर की जनता इसी कंफ्यूजन में रहती है कि कोई बोलता है फायर बटन की साइज मैटर नहीं करती है, कोई बोलता है मैटर करती है, कोई बोलता है मैटर नहीं करती है, कोई बोलता है मैटर करती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इसी जगह हमारे प्यारे सब्सक्राइबर जो भाई लोग कंफ्यूजन में रहती कि यार सच में फायर बटन की साइज है वर्क करती है क्या नहीं करती है, ये समस्या है। लेकिन मैं हूँ यार, मैं बताऊंगा आपको फायर बटन की साइज वर्क होती है क्या नहीं होती है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और वर्क होती तो आपको कितने पे रखना है, क्या रखना है, मैं सब कुछ भाई लोग आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपनी जो डिवाइस की रैम है वो कमेंट करनी है और अपनी डिवाइस की कंपनी कमेंट करनी है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सेंसिटिविटी के ऊपर, और इसीलिए मैं आपके डिवाइस के लिए भी सेंसिटिविटी लाऊं। तो फटाफट अपने जो डिवाइस की रैम है ना वो फटाफट कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज के वीडियो को अपन करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, तो देखो जैसे आपको पता है अगर आपको फ्री फायर में हेडशॉट मारना है या रेड नंबर हेडशॉट मारना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने जो फायर बटन को ड्रैग करना पड़ता है, रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है। और देखो यहाँ पर आपको अपने जो ड्रैग को ना बिना देकर ड्रैग करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप पहले एनिमी को देख रहे हो फिर उसके बाद अपने ड्रैग बटन को देख रहे हो फिर उसके बाद अपने जो रोटेशन ड्रैग कर रहे हो, तब तक सामने वाला एनिमी आपको पेटी बनाकर मतलब लॉबी में भी भेज देगा। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। और यार यहाँ पर ऐसे कितने सारे बंदे जिनको भाई लोग पता नहीं होता कि उनको जो फायर बटन की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, उनके माइंड के हिसाब से वो नहीं रख पाते। जैसे आपको बता, आपको जो फायर बटन को ना आपको बिना देकर ड्रैग करना पड़ता है। तो चलो यार सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो फायर बटन की पोजीशन कहाँ पे रखनी है जिससे आप अपने जो फायर बटन को काफी ज्यादा इजीली ड्रैग कर सको, आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाए। यहाँ पर आपको बता काफी बंदे क्या बोलते हैं कि नहीं कि यहाँ पर अपने जो फायर बटन साइज को रखो फिर आपके हेडशॉट हेडशॉट लगेंगे, तो जैसा नहीं होता है। आपको अपने जो माइंड के हिसाब से आपको अपने जो फायर बटन को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने किसी भी कहने पर भी अपने जो फायर बटन को वहाँ पे रखा है तो आप इन वहाँ पे जल्दी क्लिक नहीं कर पाओगे, उसका वजह से क्या होता है आपका जो गेम प्ले पूरा खराब हो जाता है। मुंह की बात छील ली। फिर यार यहाँ पर काफी बंदे अब सोच रहे हैं भाई फिर हम अपने जो फायर बटन को कहाँ पे रखे। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपको जो फायर बटन को ना अपने माइंड के हिसाब से रखना पड़ता है, और यार यहाँ पर काफी बंदे अब सोच रहे होंगे भाई हम अपने जो फायर बटन को अपने जो माइंड के हिसाब से कैसे रखे। तो चलो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जो डेवलपर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको इनपुट वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो इनपुट वाला जैसे आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो टैप वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर देना है। सिंपल यहाँ पर आपका जो काम खत्म हो चुका है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना गेम खेलना है और आपको अपना जो गेम है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलना है। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलते हो ना तो आपको क्या करना है अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप चेक करनी है, फिर आपको चेक करने के बाद आपको नोटिस करने की आप ज्यादा कहाँ पे टैप कर रहे हो, और आपका जहाँ पे ज्यादा टैप जा रहा है ना आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपको जो फायर बटन आपको सेट कर देना है। फिर आपका जो गेम प्ले है एकदम बढ़िया होने वाला है, ये जो फायर बटन की पोजीशन है आपकी परमानेंट होने वाली है, बस आपको ये वाले ट्रिक को फॉलो करना है, उसके बाद आपका जो पोजीशन है आपको परमानेंट पोजीशन यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जो परमानेंट पोजीशन मिल चुकी है, चलो अब बात करो तो जो फायर बटन के साइज को कितना रखना है जिससे आपके जो वन टैप भी लगे, रेड नंबर के हेडशॉट भी लगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ये फायर बटन का साइज है मतलब हेडशॉट मारने के लिए मैटर करता भी है कि नहीं करता है। एंड गाइस मेरी मानो तो आपको जो फायर बटन की साइज है आपकी जो मैटर करती भी है और करती नहीं भी है। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है ना, तो अगर आप हाई एंड डिवाइस में जो फायर बटन को सो पे भी रखते हो ना तभी आपके हेडशॉट लगते हैं। हाई एंड डिवाइस में क्या होता है पहले से काफी ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, जिसका कारण क्या होता है बंदे ने अगर थोड़ा सा भी ड्रैग किया ना तो उसका ऑटोमेटिकली हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो आपको पहले फायर बटन के साइज पे रखना काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप मतलब लो एंड डिवाइस में खेलते हो लो एंड डिवाइस में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी भी नहीं रहती है, और लो एंड डिवाइस में आपको इतने सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं जिसका किसी का टच नहीं होता है, किसी का क्या नहीं होता, मतलब ऐसे हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते आपको कितना फायर बटन की साइज को रखना है, तो कैसे देखो अगर आप लोअर डिवाइस में खेलते हो ना तो आपको जो फायर बटन की साइज का है ना वो रखना है आपको 55 पे। और कैसे मैं उनको जैसे हमें बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने भाई लोग ये जो फायर बटन की साइज है ना काफी डिवाइस में ट्राई की है लोअर डिवाइस में, ये जो भाई लोग काफी ज्यादा बढ़िया वर्क हो रही थी जिससे आपका जो टचिंग प्रॉब्लम है वो भी इसमें काफी ज्यादा फिक्स हो रहा था और मैं इसमें काफी ज्यादा बढ़िया ड्रैग कर पा रहा था। अगर आपके पास लोअर डिवाइस है तब भी आपके डिवाइस में हेडशॉट नहीं लगते, आपका जो ड्रैग बढ़िया से नहीं होता, आपको क्या करना है आपको एक बार 50 पे रख के खेलना है, क्योंकि अगर 50 पे रखते हो ना उसमें भी काफी ज्यादा परफेक्ट आपके हेडशॉट लगने वाले। तो आपको क्या करना है आपको जो फायर बटन वो 50 से लेकर 55 के बीच में रखना लो एंड डिवाइस में, जो पहले अगर लो एंड डिवाइस में काफी ज्यादा बढ़िया वर्क होने वाला है। बात करते हैं अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो आपको कितना फायर बटन की साइज को रखना है, जैसे कि बोला कि फायर बटन अगर आप हाई एंड डिवाइस में 100 पे रखते हो तब भी उसमें आपके हेडशॉट लगते हैं, लेकिन अगर आप हाई एंड डिवाइस में भी अपने जो फायर बटन को 100 पे रखते हो उसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। उसमें क्या होता है आप अपना जो टचिंग प्रॉब्लम सही से नहीं कर पाते, मतलब अगर आप जो मूवमेंट करना चाहोगे तो आपके अच्छी मूवमेंट नहीं होने वाली उस पर, इसलिए हमको हाई एंड डिवाइस में पहले बेस्ट फायर बटन की साइज लगानी पड़ती है। तो बात करें अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो कितना जो फायर बटन की साइज को रखना है, तो
अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो आपको जो फाइबर की साइज को है ना वो रखना आपको 45 पे, यानी कि जो फाइबर की साइज है ना आपके जो हाई एंड डिवाइस में काफी ज्यादा बढ़िया वर्क होने वाले, जिससे बिल्कुल आपका जो ड्रैग है ना काफी ज्यादा स्मूथली होने वाला है, आपके जो हेडशॉट है जिसमें पहले से काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर मैंने आपको लो एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस दोनों के लिए बेस्ट पोजीशन है, बेस्ट फाइबर साइज बता दिया है। आई होप आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि फाइबर की साइज मैटर करती है कि नहीं करते, मैंने आपको सब कुछ डाउट आपके क्लियर कर दिए। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट बाकी है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, मुझे पूछना है, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पूछ सकते हो, उसमें भी आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड अगर इंस्टा पे जा भी रहे तो फॉलो भी जरूर कर देना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।